हेलो गाइस, वेलकम टू डिकोड एग्जाम डिफेंस। मैं हूं नूर सलाम और मैं स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम डिफेंस में आपका। तो फ्रेंड्स, एनडीए 2021 को लेकर काफ़ी सारी चर्चाएं चल रही हैं। दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है और उसके नोटिफिकेशन आने से पहले हमने आपके सामने उसका एक टारगेट शुरू कर दिया है, एनडीए 2021 टारगेट। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप साइंस सेक्टर में सिर्फ साइंस के पार्ट पर सेक्शन बी में सिर्फ अगर आप साइंस के एरिया को लेकर चल रहे हो और उसमें फिजिक्स को कर लेते हो पूरा, तो आप अच्छे खासे नंबर ले लोगे। और जो आपका आर्ट का पार्ट है या ह्यूमैनिटी का पार्ट है, अगर वहाँ पर अगर आप लेके चलोगे तो आपको ज्योग्राफी के पार्ट को कर लोगे तो आपको बहुत आसान होगा कि गैट के पेपर में एक जनरल कट ऑफ के साथ अच्छे नंबर से सिलेक्शन पाना। तो हमारा यही मोटिव है, आपको सिलेक्शन के करीब लेके जाना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम पूरा का पूरा एनडीए 2021 का एक टारगेट लेके चल रहे हैं। एनडीए 2021 का जितने लोगों को स्टडी मटेरियल अगर चाहिए तो प्लीज़ हम लोग को कांटेक्ट करिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए, वहाँ पर आपको सारा स्टडी मटेरियल से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। और आपको प्रैक्टिस पेपर भी वहाँ पर मिलेंगे, प्रैक्टिस पेपर सब कुछ होगा, स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर पेपर्स विद फुल सॉल्यूशन सब कुछ मिलेगा। स्टडी मटेरियल आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल पर कनेक्ट होते जाइए। 2021 को हमारा टारगेट है एनडीए फर्स्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है भाई? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाए, उसके लिए आप तैयार हो जाइए। फिजिक्स के इस पार्ट को आप हर जगह कॉमन पाएंगे, चाहे एक्स ग्रुप हो चाहे आपका एनडीए हो। तो मैं इस कॉमन तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आपको दोनों एरिया में ये कवर हो जाए। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम चैप्टर वाइज चीज़ों को लेकर चलेंगे। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो भाई ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का नाम यही है, डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस। टेलीग्राम पर आ जाइए, जुड़ जाइए, चैनल भी है, ग्रुप भी है, किसी में भी अटैच हो जाइए। जब आप अटैच होगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन, क्विज और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब आपको उस ग्रुप पर मिलती रहेगी। ठीक है, हम बहुत जल्दी बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल लॉन्च करने वाले हैं जो कि आपको बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आप उसको लगा लोगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से रिटर्न क्वालिफाई कर लोगे। और एसएसबी का भी हम बहुत बढ़िया आपको जानकारी प्रोवाइड कराने वाले हैं बहुत जल्द। हर चीज़ दिवाली आते आते आपको एक बहुत बढ़िया दिवाली धमाका मिलने वाला है दोस्तों। तो तैयार हो जाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए, फेसबुक पर भी हमसे कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक। टॉपिक का नाम है फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है मेजरमेंट। कभी अक्सर लोग इसे यूनिट के नाम से भी जानते हैं। जब हम यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट में कई तरह तरह के क्वेश्चन बनते हैं, नए क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चंस, कई तरह के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन आज हमारा एरिया है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लास्ट 10 साल में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं और उनका एक अच्छा सलूशन देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, क्वेश्चन सारे बाइलिंगुअल है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज सेम यूनिट एज दैट ऑफ प्रेशर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि की इकाई वही है जो दाब की है? तो यहां पर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, और इस क्वेश्चन को आंसर क्या होगा अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो देखो, आपका प्रेशर के बराबर, प्रेशर की जो यूनिट होती है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, है ना। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो इनमें फोर्स अपॉन एंगुलर मोमेंटम, फोर्स अपॉन एरिया नहीं होता है। स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। वर्क आपका
फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, स्ट्रेस जो होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, स्ट्रेस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिबल। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो क्या है, स्ट्रेस। ठीक है, यूनिट में कुछ चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वो सब चीज़ें मैंने एक चैप्टर पढ़ा है यूनिट, है ना। अगर आप फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको यूनिट चैप्टर की बेसिक डिटेल पूरी की पूरी मिलेंगी, है ना। तो ये सब बेसिक डिटेल्स फिजिक्स की आपको यूनिट चैप्टर की वहाँ पर मिल जाएगी। फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाइएगा और यूनिट चैप्टर को ढूंढिएगा, यूनिट आपको मिलेगा और यूनिट के अंदर आपको सारी एक छोटी छोटी बेसिक डिटेल मिलेगी जो आपको एग्ज़ाम के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए ज़रूरी लगेगी, है ना। चलिए, और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर मैंने मेंशन की हुई, आप उसको वहाँ पर देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, है ना। अगर हम बात करते हैं 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, ये सीधा सा क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, 1 किलोवाट आवर, दोस्तों जब किलोवाट आवर की बात करते हैं, देखो 1 किलो का तो कितने जूल पूछा है, तो 1 किलो है ना, आवर 3600। ठीक, 3600 तो क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ पर वाट जो होता है जूल पर सेकंड होता है ना, और सेकंड से सेकंड कटेगा तभी जूल आएगा, है ना, तभी हमने इसे मिनट सेकंड में चेंज कर लिया घंटों को। और जब आप सिंप्लीफाई करोगे 3600000, ठीक है, अब सिंप्लीफाई करोगे तो 36 को अलग कर लो और फिर बचा कितना, 3 2 5, ठीक है, तो 36 × 10^5। अब देखो आप लोग जो याद रखते हो उसे थोड़ा सा पलट के आया हुआ, लेकिन आसान है ना। तो ये आपका सही जवाब है। ठीक, अगर यहाँ पर जूल की जगह किलो जूल होता तो ये सही होता, इसे याद रखिएगा। तो थोड़ा सा चीज़ों को याद रखिएगा, यहाँ पर यूनिट चैप्टर में छोटी छोटी चीज़ों से आपकी भावनाओं के साथ खेला जाता है। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, है ना, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, आवेश, आवेश मतलब चार्ज, आवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चार्ज। चार्ज की SI यूनिट एम्पियर सेकेंड है, डे बाई इलेक्ट्रिक डाइपोल की यूनिट होती है, लंबाई L और अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A, तार की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता मतलब रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली पर निर्भर करते हैं, है ना, या रेजिस्टिविटी इस पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है। द्रव्यमान m किलोग्राम और आवेश e कूलाम कि किसी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी उसे वी वोल्ट के विभांतर से त्वरित करने पर ई वी जूल होती है। तो यहाँ पर चार चीज़ें दी हुई हैं, देखो ये सबसे नीचे वाला जो है वो तो एकदम सही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही नापी जाती है। ठीक, एकदम सही है। किसी भी तार की रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया दोनों पर डिपेंड करती है, बिल्कुल सही है भाई। ठीक, इसके अलावा डिवाई इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये भी सही है। देखो ये ज़्यादातर बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न हो रही है कि डिवाई है कि नहीं, एकदम सही है। ये क्वेश्चन सिंगल सिंगल फॉर्म में कई बार आपके पेपर में आ चुका है कि डिवाई किसकी यूनिट है, आप क्या उसको ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट में लेके आ गए हैं। अब देखो यहाँ पर जो गलत है वो ये वाला है। ठीक है, चार्ज की जो SI यूनिट होती है वो होती है आपकी कूलाम, है ना, इसे याद रखिएगा। ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, तो इसे ध्यान रखना, ये ही आपका जो है सही जवाब है, कौन सा, आवेश वाला। ठीक, इसे याद रखिएगा। ठीक, ओके, चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो, चलो आप लोग पढ़ो ध्यान से और फिर कमेंट में मुझे आंसर बताओ, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप ध्यान से पढ़ोगे और पढ़ने के बाद कमेंट में मुझे आंसर बताइए। अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी जी विद इनिशियल वेलोसिटी यू, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर इट्स फाइनल वेलोसिटी व्हेन इट अटेन द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, किसी पिंड को गुरुत्व जी के विरुद्ध
प्रारंभिक वेग u से ऊपर फेंका गया है तो निम्नलिखित में कौन सा एक पिंड की अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने पर इसके अंतिम वेग को सही व्यक्त करता है। आराम से वीडियो पॉज करके जल्दी से आंसर दे दो, फिर आगे बात करते हैं। चलो अब देखो यहाँ पर बोल रहा है ये, आप इसको क्या करोगे, आप तुरंत इसको सॉल्व करना शुरू कर दोगे। लेकिन देखो यहाँ पर जब भी कोई पिंड अधिकतम ऊंचाई या मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है तो उसका अंतिम वेग क्या होता है, जीरो। तो भैया ये गलत, जीरो ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका सही जवाब होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन क्या है कॉन्सेप्ट, देखो एक्स ग्रुप में मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं होता है, कॉन्सेप्ट आता है नो डाउट, बट वहाँ पर ज़्यादा चीज़ किस पे फोकस किया जाता है, वहाँ पर फोकस किया जाता है आपके न्यूमेरिकल्स पर। लेकिन जब हम एनडीए की बात करते हैं तो वहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन। वन लाइट ईयर इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है ना। तो यहाँ पर वन लाइट ईयर दिया हुआ है 9.46 इंटू 10^-15, ठीक है। देखो लाइट ईयर एक बहुत बड़ी यूनिट है तो निगेटिव में तो जाएगी नहीं, तो ये दोनों वाले तो चले जाएंगे। अब 9.46 तो होता है, लेकिन 10^ क्या होगा, 15^13, तो 15 इज द राइट आंसर, ठीक। लेकिन यही अगर किलोमीटर में पूछता तो 10^12 हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर ये सीधा सीधा है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसे ध्यान रखना। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द मास ऑफ 1 लीटर कॉटन सीड ऑयल ऑफ डेंसिटी 926 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, 926 किलोग्राम पर मीटर क्यूब घनत्व वाले बिनौले तेल के 1 लीटर का द्रव्यमान कितना होगा। तो देखो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल फॉर्मूला है ना। तो द्रव्यमान पूछा है, मास मतलब द्रव्यमान होता है कि नहीं होता है, वॉल्यूम मतलब आयतन होता है। अब बोला है 1 लीटर, तो आयतन दिया है 1 लीटर, 1 लीटर को में कितने मीटर क्यूब के बराबर होता है, तो 10^-3 होता है। बस अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर पूछा गया मास पूछा गया है, तो डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, मास आ जाएगा। तो वॉल्यूम 10^-3 और डेंसिटी 926, ठीक। तो जब डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.926, तो यहाँ पर सही जवाब आ जाएगा 0.926 किलोग्राम। आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। बहुत ही बेसिक चीज़ों पर आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, भैया याद रखिएगा, बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। NCERT 11-12 की पूरी तरह से पढ़ रखी है, तो कहीं से भी फिजिक्स बाहर नहीं जाने वाली, 20 क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग तरीके से पेपर में आया हुआ है, बार बार रिपीट होता है, कई तरीके से आता है। इस पर मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस बना रखे हैं, तो प्लीज़ गो एंड वॉच द प्लेलिस्ट ऑफ फिजिक्स, ठीक है। पुरानी प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा, वो आउटडेटेड नहीं हुई है, वो यूज़फुल है, वो आगे भी काम आएगी, तो उसको ज़रूर देखिए। द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज़ द ऑर्डर ऑफ, ठीक है, एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो किसकी ऑर्डर में या किसकी कोटि में होती है, मतलब एक्सरे जो होता है उसकी वैल्यू पावर्स में किसके बराबर होती है। तो देखो एक्सरे की जो कोटि होती है वो 10^-10 के बराबर होती है, लो लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। वैसे याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन आया है, सीधे सीधे एक बार तो 10^-10 आंसर आया, या -10 आया, या 10 आया, ठीक है। तो जो भी आपको ऑप्शन में मिल जाए आप लगा देना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कई बार घुमा के पूछा जाता है। घुमा के पूछने का मतलब क्या है, इससे कई अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनते हैं। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स इज सेम डेट ऑफ प्रेशर एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम, ठीक है। इम्पल्स मतलब आवेग, ठीक, एफ इंटू टी। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स या आवेग की अगर हम बात करें,
तो एफ इंटू टी होता है, ठीक। फोर्स क्या, फोर्स इंटू टाइम, ठीक। इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू टी। तो और सिंप्लीफाई कर, मास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, ठीक है। किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, ठीक। अब लीनियर मूवमेंट देखो, प्रेशर की जो होता है, प्रेशर की अगर हमारे पी इज इक्वल टू, अगर हम बात करते हैं पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए होता है, तो भैया मीटर पर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये तो कहीं से भी मैच नहीं कर रही है। कोणीय संवेग ना, ये भी नहीं मैच कर रही। एंगुलर मोमेंटम प्लैंक कांस्टेंट के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। प्रेशर किसके बराबर होता है, स्ट्रेस के बराबर होता है। वर्क की यूनिट किसके बराबर होती है, ये टॉर्क के बराबर होती है। किसके बराबर, टॉर्क, है ना, ये टॉर्क से मैच करती है। लेकिन रेखीय संवेग या लीनियर मोमेंटम की बात करें तो ये होता है एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। अब ध्यान से देखो तो ये मास है और ये वेलोसिटी है कि नहीं, तो दोनों की यूनिट देखो सेम हो जाए, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। देखो सेम आइडेंटिकल हो गई, जब ये दोनों आइडेंटिकल हो गई, सेम हो गई, तो फिर क्या हो गया भैया, यही सही जवाब हो गया। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एग्जाम में आती हैं और आप इसे गलत करते हो, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें गलत ना करना, श्योर शॉट नंबर है। पेपर में एक से दो क्वेश्चन पेपर में हर बार बनते ही हैं इस टॉपिक से, ये याद रखिए एक बच्चा लोग, है ना। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव सेम डायमेंशन, इनमें से किसकी डायमेंशन सेम नहीं है, ये बताना है, ठीक है। तो देखो कमेंट में कोई आंसर बताने की कोशिश करेगा, कमेंट में कोई बताने की कोशिश करेगा इनमें से किसकी डायमेंशन सेम नहीं है, बताइए कौन बताएगा। देखो यहां पे क्या है, ये एनर्जी है, ये एनर्जी है, ठीक। तो दोनों सेम है, ठीक। ये डेंसिटी और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी डायमेंशन लेस होती है ना, डेंसिटी की डायमेंशन होती है। फोकल लेंथ मीटर में नापी जाती है, हाइट भी मीटर में नापी जाती है। ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, दोनों का यूनिट न्यूटन होगी। एनर्जी की यूनिट हमेशा सेम होती है, जूल होती है। तो भैया यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा घनत्व और विशिष्ट घनत्व में, ठीक है, ये सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अगर हम इसको देखेंगे, अगर हम इसको देखते हैं, किसको देखते हैं, किसको, डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी की। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी डायमेंशन लेस होती है और डेंसिटी क्या होती है, मैं थोड़ी देर पहले बताया, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर यही सही जवाब हो जाएगा। चलो अब यहाँ तक क्लियर है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन पेपर में आया हुआ है, आसान सा क्वेश्चन है, बच्चा लोग देख के कहते हैं अरे बहुत आसान है ना। तो जल्दी से इसका आंसर बता दो, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बता दो। देखो आसान हो डिफिकल्ट हो, सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, है ना। मीटर पर सेकेंड, ये आपकी वेलोसिटी स्पीड इसकी यूनिट होती है, ठीक है। अब एस आई फॉर्म में पूछा है तो एस आई फॉर्म में तो भैया यही सही है, वैसे तो ये भी है एक्सेलरेशन की यूनिट बट, और ये भी है लेकिन, दिस इज नॉट एप्लीकेबल इफ द वर्ड एस आई केम, है ना। तो आपको ध्यान रखना, छोटी चीज है, आसान है। सी जी एस में पूछेगा तो आपका ये सी वाला होता है, लेकिन एस आई में पूछा है तो आपको ये याद रखना है क्या वर्ड है, की वर्ड्स को भी ध्यान देना है। चलो अब क्लियर है, क्वेश्चन बहुत आसान सा था, आसान क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक स्प्रिंग हैज अ लेंथ एल एंड अ स्प्रिंग कांस्टेंट के, इट इज कट इनटू टू पीस L1 एंड L2 सच दैट L1 इज इक्वल टू N L2, द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग ऑफ लेंथ L1 इज।
है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक कमानी की लंबाई एल है, कमानी का स्थिरांक के है, उसे दो पार्ट में काटा गया है, एल वन और एल टू। अगर एल वन इज इक्वल टू एन एल टू और लंबाई एल वन वाले का के की वैल्यू बतानी है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं कि हम इसे कैसे कर सकते हैं और क्या क्या प्रोसीजर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर आपको समझना है कि सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास l लेंथ है ना, लेंथ दी हुई है और k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट पूरी उसका, हमारे पूरी स्प्रिंग का। अब स्प्रिंग को दो लंबाई l1 में काटा जाता है और l2 में काटा जाता है, इस तरह से काटा जाता है, एल वन इज इक्वल टू एन एल टू, और इसका k की वैल्यू निकालनी, तो इसका k मान लेते हैं k1। ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं तो नहीं मानते। ठीक है, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो l2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, l1 अपॉन n। ठीक, ये हमारी इक्वेशन वन आ गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन l इज इक्वल टू l1 प्लस l2 है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये होगा, बहुत आसान सी चीज़ है। अब L1 क्या था, एन एल टू प्लस एल टू एन प्लस वन। ठीक, तो L2 क्या हो जाएगा, L अपॉन एन प्लस वन। ठीक, ये आपकी आ गई इक्वेशन टू। अब इक्वेशन वन और टू को इक्वेट कर देते हैं, तो L1 अपॉन एन इज इक्वल टू L अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, बहुत आसान सी चीज़ हो गई। अब अगर यहाँ पर देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पर l अपॉन के वन एन इज इक्वल टू एल अपॉन के एन प्लस वन कर सकते हैं, दोनों तरफ का कांस्टेंट लगा सकते हैं। अब क्योंकि हमने वहाँ पे l क्यों किया है, क्योंकि उसको रिप्लेस कर दिया है, ठीक, n की वजह से। अब देखो, अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो सिंप्लीफाई करा तो ये एल और एल चला गया और के वन इज इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन एन। ठीक है, इज इक्वल टू ये आपका आंसर। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, अगर ध्यान दे लोगे तो आसानी से हो जाएगा। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ये डी वाला यहाँ पर सही जवाब है, इट इज़ द राइट आंसर। ठीक, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज करने पर आपका काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी आपको। ठीक, तो गाइस दिस इज अ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ होती है। ठीक, कई बार आता रहता है, इसी तरह का दोबारा क्वेश्चन आ सकता है ना, जब इस बार फिर आएगा तो यहाँ लेंथ को m1 m2 कर सकते हैं लोग। ठीक है, n की जगह कुछ और यूज़ कर सकते हैं, k की जगह कुछ और यूज़ कर सकते हैं, तो आपको अपना थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करना है। लैंग्वेज यही हो सकती है, क्वेश्चन यही हो सकता है, थोड़ा सा चेंज करके। चलो अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है ये भी, और एक्स वाई में भी, एक्स ग्रुप में भी पूछा गया है। ये रिलेशन जो है अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा टी प्लस लैम्डा, अल्फा बीटा मेजर इन मीटर, अल्फा बीटा का जो यूनिट है मीटर में नापिए और टी जो है टाइम को यूनिट कर रहा है, तो बीटा का क्या होगा। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा टी प्लस लैम्डा। ठीक, अब देखो कोई एक यूनिट दूसरे यूनिट में तभी जुड़ सकती है या घट सकती है जब दोनों की यूनिट बराबर हो, तो ये वाली इसमें तभी जुड़ेगी या ये वाली इसमें तभी जुड़ेगी जब दोनों की यूनिट बराबर हो, और ये दोनों किसके बराबर है, अल्फा के। तो इसका मतलब अल्फा, एक बार अल्फा की जो विमा है या मात्रक है या डायमेंशन है वो बराबर होगी बीटा टी की डायमेंशन की, है ना। अब अल्फा किस में नापा जा रहा है, अल्फा नापा जा रहा है मीटर में। ठीक है, तो बीटा इंटू टी, टी मतलब सेकेंड, तो बीटा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा मीटर पर सेकेंड।
मीटर पर सेकंड यहाँ पे क्या है, ये वाला है, ये सही जवाब है। आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी क्यूबिक सेंटीमीटर आर इन क्यूबिक मीटर। एक क्यूबिक मीटर में कितने क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं, ये सीधा सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि एक मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब दोनों साइड क्यूब कर लो, ठीक, और जैसे ही आप क्यूब करेंगे 10^6, तो यहां पे सही जवाब क्या हो जाएगा, ये बेसिक फॉर्म में बता रहा हूं, ज्यादा आपको इधर उधर नहीं जाना है। चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू फॉर मेजरिंग द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, विंड मेन, एनुराइड बैरोमीटर, वेट एंड ड्राई थर्मोमीटर, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। ठीक है, वायु की आर्द्रता नापने के लिए निम्नलिखित में से किस एक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, अब जरा इसमें थोड़ा सा ध्यान देते हैं। विंड वेन का इस्तेमाल जो होता है विंड की डायरेक्शन नापने के लिए होता है, इट इज यूज फॉर मेजरिंग द डायरेक्शन, है कि नहीं, दिशा नापने के लिए इसका इस्तेमाल होता है पहले वाले का। ठीक है, एंड्रॉइड बैरोमीटर जो होता है दैट इज यूज फॉर मेजरिंग प्रेशर, दाब नापने के लिए यूज होता है। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम, एक दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान, टेम्परेचर नापने के लिए यूज होता है। ठीक है, बचा क्या, देखो ह्यूमिडिटी इस थर्मोमीटर से नापा जाता है, ड्राई एंड वेट थर्मोमीटर। तो वेट एंड ड्राई थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता। ठीक है, आर्द्रता मतलब हमारे एयर में कितना मॉइस्चर है या कितना नहीं है, इसको मेजर करने का काम किसका होता है, इस थर्मोमीटर का होता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट है। तो गाइज दीज आर सम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पेपर में बार बार आए हैं, इसको पढ़िए, देखिए, और हमारे फिजिक्स की प्लेलिस्ट पे जरूर जाइएगा, वहाँ पर पुराने क्वेश्चंस को भी देखिएगा। ठीक है, अगर आप सब मिला के साथ में देखोगे तो एक पूरा कंप्लीट का पैटर्न आपको मिल जाएगा और आपको सब चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाएंगी। ठीक है गाइज, ठीक, तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि इस तरह के मैं और वीडियो बनाऊं कि नहीं। बहुत जल्दी हम साइंस के हर एक सेक्शन पर वीडियो बनाएंगे, केमिस्ट्री पर भी, बायो पर भी, सब पर आपको वीडियो मिलेगा और आपके एक कम्प्लीट तैयारी होगी। NDA इस बार हो जाएगा पार, तैयारी करना है, तैयारी जीत की। हमसे जुड़े रहिए, जय हिंद।